नमस्कार, मैं अरुण जैन फ्रॉम स्वास्थिका कंसल्टिंग एंड कंपनी, शांति मोहल्ला, गांधीनगर, न्यू दिल्ली। आज हम उन 7 नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो 14th ऑफ नवंबर 2017 को इश्यू हुए एंड जो कि एप्लीकेबल थे विद इफेक्ट फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर 2017। ये नोटिफिकेशन उन चेंजेस के लिए इश्यू किया गया है जो 23rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हुए थे। ओके, हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। एक समरी चार्ट है आपके लिए। इस समरी में मैं क्या बता रहा हूं आपको, नोटिफिकेशन नंबर जो 41, 42, 43, 44, 45, 46 ये टोटल 7 नोटिफिकेशन इशू है 14th ऑफ नवंबर को, विच वॉज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर। नोटिफिकेशन नंबर 41 क्या है? नोटिफिकेशन नंबर 41 प्रिंसिपल नोटिफिकेशन के रिगार्ड में अमेंडमेंट है। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन कौन सा? 1/2017। क्या चीज का था? रेट ऑफ टैक्स ऑन द गुड्स के रिगार्ड में था। तो 41 नंबर नोटिफिकेशन में कुछ एक चेंजेस किया है रेट में, कुछ एक चेंजेस किया है रेट्स ऑफ टैक्सेस में विद रेस्पेक्ट टू द गुड्स। तो वो पर्टिकुलर गुड्स की लिस्ट इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। सर्टेन गुड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम 28% to 18%, कुछ एक का 18% से 12% किया है, 18% से 5% किया, 5% से 0% किया, एटसेट्रा। ऑल आर गिवन इन द नोटिफिकेशन नंबर 41। नोटिफिकेशन नंबर 42, 15th ऑफ नवंबर 2017, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन कौन सा था? 2/2017। जो हमें क्या बताता था प्रिंसिपल नोटिफिकेशन? एग्जेम्पशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द टैक्सेस। तो 42 में उन आइटम की लिस्ट दी हुई है जिनको गवर्नमेंट ने अभी एग्जेम्प्ट किया हुआ है फ्रॉम टैक्सेस। किसकी बात हो रही है? 41 और 42 दोनों ही गुड्स के रिगार्ड में है। नोटिफिकेशन नंबर 43, अगेन ये अमेंडमेंट टू द प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है और उस प्रिंसिपल नोटिफिकेशन का नंबर क्या? 4। एक बार हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 4 क्या चीज का था। आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 4 है। नोटिफिकेशन 4 क्या चीज का है? बेसिकली मैं मिडल पार्ट से स्टार्ट करता हूं रीड करना। सप्लाई ऑफ द गुड्स, स्पेसिफाई द सप्लाई ऑफ द गुड्स, द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर 3 ऑफ द टेबल बिलो एंड फॉलिंग अंडर द टेरिफ आइटम सब हेडिंग हेडिंग और चैप्टर एज द केस में बी एज स्पेसिफाइड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री द सेड टेबल मेड बाय द पर्सन एज स्पेसिफाइड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ वाइल द सेंट्रल टैक्स शैल बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज स्पेसिफाइड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री। क्रक्स ऑफ द नोटिफिकेशन क्या है? इन पर्टिकुलर आइटम जो कि नीचे डिफाइन किए हुए रिवर्स चार्ज के ऊपर सेंट्रल टैक्स पे करने की लाइबिलिटी रेसिपिएंट की होगी। अगर आपको कुछ एक आइटम अगर ध्यान होंगे तो कैश्यू नट्स अगर एग्रीकल्चर से परचेज होते हैं और रिसिपिएंट कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है देन ही नीड टू पे द टैक्सेस अंडर रिवर्स चार्ज। सिमिलरली बीडी रेपर लीव टेंडू एग्रीकल्चर से अगर कोई परचेज करता है तो ये नोटिफिकेशन चार्ट जो कि ऑलरेडी इशू हो चुका था 28 जून 2017 को, ये आइटम ऑलरेडी डिफाइन थे, यहाँ पे एक आइटम और ऐड कर दिया बाय वे ऑफ दिस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 43/2017। इसने क्या आइटम ऐड किया? परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट मेड टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अब अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट से रॉ कॉटन भी परचेज होता तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा रिसिपिएंट को। नाउ नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन नंबर 44/2017। ये किसका नोटिफिकेशन? प्रिंसिपल नोटिफिकेशन का अमेंडमेंट है, नोटिफिकेशन नंबर 5। एक बार मैं नोटिफिकेशन नंबर 5 को भी देख लेता हूं। नोटिफिकेशन नंबर 5 बेसिकली क्या बोलता है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्म्ड बाय द क्लोज नंबर इतना इतना इतना, ये इन रेस्पेक्ट ऑफ विच उन आइटम की डिटेल बताता है, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड। कई बार क्या होता है, मैं जितना माल परचेज करता हूं ठीक है, और जो माल सेल करता हूं तो सर्टेन इनपुट क्रेडिट कैन बी अनयूटिलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द रेट ऑफ टैक्सेस
इनपुट बिंग हायर देन द रेट ऑफ टैक्सेज ऑन द इनपुट सप्लाइड ऑफ सच गुड्स. मान लो मैं परचेज करता हूं 18% और आउटपुट टैक्स जो मैं चार्ज करता हूं वो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 5% है, तो बेसिकली मेरा सर्टेन पोर्शन वुड बी अनयूटिलाइज ड्यूरिंग द पीरियड. तो नौ गवर्नमेंट ने ये बाई वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 5 ही बोला है कि इन इन आइटम के ऊपर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं अदर देन रिलेटेड और फुल्ली एग्जेम्प्ट. इसमें क्या क्या आइटम थे, वुवन फैब्रिक ऑफ द सिल्क, वुवन फैब्रिक ऑफ द वूल, कॉटन एटसेट्रा, जो भी आइटम. ये लिस्ट ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है बाई वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 5/2017. अभी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू किया 44, इसमें क्या बोला है, अगेन प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नंबर 5 जो कि नो रिफंड की बात करता है, उसमें एक आइटम और ऐड किया. कौन सा आइटम वो पढ़ते हैं, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्टेड फॉर नेट ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, कॉर्ड्यूरी फैब्रिक्स, नेरो वोवन फैब्रिक्स, स्पेसिफाइड टाइप्स ओनली. क्लियर? तो मैं एक बार नोटिफिकेशन नंबर 44 को एक बार देख लेता हूं. 44 में क्या बोला है, ये पर्टिकुलर तीन आइटम 6A, 6B और 6C ऐड कर दिए हैं, नॉटेड नेटिंग ऑफ द ट्विन कॉर्डेज और रोप, मेड ऑफ द फिशिंग नेट्स और अदर मेड अप नेट्स ऑफ द टेक्सटाइल मटेरियल, कॉर्ड्यूरी फैब्रिक्स, नैरो वोवन फैब्रिक, इन तीन आइटम को ऐड कर दिए. इसके ऊपर भी आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट से फॉर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के पोर्शन के ऊपर. क्लियर? अब आता हूं मैं नोटिफिकेशन नंबर 45. ये किसी प्रिंसिपल नोटिफिकेशन का अमेंडमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक नया नोटिफिकेशन है. ये क्या बोलता है, कंसेशनल जीएसटी रेट ऑफ 5% ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल इक्विपमेंट सप्लाइड टू पब्लिक फंडेड. अगर आप पब्लिक फंडेड को सप्लाई करते हैं तो क्या चीज, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इक्विपमेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी की रेट कितनी है, 5% रेस्ट्रिक्ट की हुई है. अगर कोई पर्टिकुलर आइटम के ऊपर 5 से ज्यादा है तो बाकी जो बैलेंस पोर्शन है दैट विल बी एग्जेम्प्टेड. लेट्स सी नोटिफिकेशन नंबर 45. ये आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 45 है, बोलता है कि इसमें जो टेबल दी हुई है उन टेबल के ऊपर जो टैक्स की रेट है वो टैक्स रेट पे आपको एग्जेम्प्शन मिलेगा. सो मच ऑफ द सेंट्रल टैक्स लेवाइबल देयर ऑन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सेड एक्ट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2.5%, मतलब अप टू 2.5% लगेगा, उसके ऊपर नहीं चार्ज होगा. व्हेन सप्लाइड किसको, टू द इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम नंबर 2 ऑफ द टेबल. तो इस टेबल में आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी दिया हुआ है, कंडीशन भी दी हुई है कि क्या कंडीशन, लाइक पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अदर देन हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. डिस्क्रिप्शन क्या है, साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा द गुड्स आर सप्लाइड टू फॉर ए पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर द एडमिशन कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट. तो ये आप टेबल पढ़ लेना, बेसिकली ये पर्टिकुलर अगर आइटम सप्लाई होते हैं इन सब इंस्टीट्यूशन को तो उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्सेस वुड बी लिमिटेड टू 5%. क्लियर? अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 46/2017 की. ये किसका चेंजेस है, ये कौन से प्रिंसिपल नोटिफिकेशन का अमेंडमेंट है, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नंबर 11/2017. 11 क्या चीज़ का है, जैसे आपको मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन नंबर 1 बेसिकली गुड्स के रिगार्ड में रेट डिफाइन करता है, तो नोटिफिकेशन नंबर 8 सर्विसेज के रिगार्ड में रेट डिफाइन करता है. यहाँ पे क्या चेंजेस किया, पहला चेंजेस ये किया 12% रेट ऑन द कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट ओनली. जो कंस्ट्रक्शन सर्विस के ऊपर रिलैक्सेशन थी वो गवर्नमेंट ने किसके ऊपर लिमिट कर दी, सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. अगला चेंजेस क्या था, रेट ऑफ द रेस्टोरेंट 5% विद स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट एंड दोज इन द होटल विद रूम टैरिफ लेस देन 7,500. अगर आपके होटल की टैरिफ, अगर आपका स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है तब 5% विद नो आईटीसी रेट लगेगा. अगर आपका रेस्टोरेंट स्टैंड अलोन नहीं है अलॉन्ग विद द होटल है और उस होटल में टैरिफ की रेट 7,500 के नीचे है तो पर्टिकुलर वो रेस्टोरेंट में भी जो रेट चार्ज होगा जीएसटी का वो 5% होगा. अब मैं बात करता हूँ अगर ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे होटल की पर यूनिट रेट 7,500 या उससे ज़्यादा है तो दैट रेस्टोरेंट विल चार्ज द जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो विद आईटीसी.
क्लियर। थर्ड चेंजेस, जॉब वर्क इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट टैक्सेबल एट 5%। तो तीन मेजर चेंजेस थे बाय वे ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 46/2017। ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 11 का चेंजेस है, आई होप इट्स क्लियर। एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 46 में क्या चेंज हुआ। 46 में पहला चेंजेस है कि अगेंस्ट सीरियल नंबर 3 इन द कॉलम नंबर 3 इन द आइटम नंबर 6 फॉर द वर्ड सर्विस प्रोवाइडेड को रिप्लेस करके वहां पे क्या डाल दिया, कंपोजिट सप्लाई ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेड ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड वहां पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लिख दी, वो जो कंसेशनल रेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देते थे। सेकेंड चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू होटल, ये मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर स्टैंड अलोन होटल है या अलोंग विद दी, अगर स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है तो या होटल प्लस रेस्टोरेंट, और उस होटल की टैरिफ जो रेट है पर यूनिट पर डे की वो 7500 से नीचे है, तो ऐसे रेस्टोरेंट कितना परसेंट चार्ज करेगा, 5%, मतलब 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। और अगर बियॉन्ड जो टैरिफ रेट है वो बियॉन्ड 7500 है, मतलब 7500 या ऊपर है, तो ऐसी अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो रेस्टोरेंट कितना परसेंट चार्ज करेगा, 9% चार्ज करेगा सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, टोटल 18% वुड बी द रेट ऑफ द जीएसटी विद आईटीसी। ऑल लास्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हैंडीक्राफ्ट आइटम सीरियल नंबर 26 में ऐड कर दिया गया, बेसिकली इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्सेस कितनी हो गई, 5%। द एक्सप्रेशन हैंडीक्राफ्ट गुड्स शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इन नोटिफिकेशन नंबर 32/2017। क्लियर, ओके। चलो सर वापस मैं अपने प्रेजेंटेशन में आता हूँ। लास्ट नोटिफिकेशन 41/2017, ये क्या है, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 का अमेंडमेंट है। 12 नंबर नोटिफिकेशन क्या चीज़ का है, बेसिकली एग्जेम्प्ट सर्विस का है। यहाँ पे एक आइटम और ऐड कर दिया, कौन सा आइटम ऐड किया देखते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 47 है, बेसिकली यहाँ पे क्या आइटम ऐड किया हुआ है, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स सो डिक्लेयर्ड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द रिमेन एक्ट 1958। पर्टिकुलर इस एक्ट में अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके ऊपर सर्विस की जो रेट है वो रेट निल होगी। क्लियर, 47 में ये आइटम ऐड हो गया, आई होप इट्स क्लियर।